Good morning students. This is Srimati Manisha Shrivastau, Uchi Shikshak from Government Higher Secondary School Guraya, District Chhindwara, Madhya Pradesh. Today's session is of article writing. In this article writing, we will learn about definition, objectives, steps, concepts, and format and example of article. द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग रिटर्न फॉर अ लार्ज ऑडियंस आर्टिकल एक ऐसा लेख होता है जो बड़ी बड़ी संख्या में ऑडियंस के लिए बनाया जाता है यानी जब हम आमने सामने होते हैं या एक छोटी क्लास को बोलना होता है या कम लोगों से पहचान वाले लोगों से बोलना होता है तो हम बोलकर बात करके अपनी बात सामने वाले तक रख सकते हैं लेकिन जब हमें ये अपनी बात कई लोगों तक पहुंचानी रहती है एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक तो हमें आर्टिकल राइटिंग की आवश्यकता पड़ती है तो आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग रिटर्न फॉर लार्ज ऑडियंस एक लेखन का ऐसा तरीका है जो बड़ी ऑडियंस के लिए लिखा जाता है द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल इज़ दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आईदर न्यूज़ और मैगजीन्स और जर्नल्स इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इसे पब्लिश किया जाए यानी प्रकाशित किया जाए या तो समाचार पत्रों में या मैगजीन्स में या फिर जर्नल्स में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स आर्टिकल लिखने के उद्देश्य क्या हैं तो पहला जो मुझे समझ में आया है इट ब्रिंग्स आउट द टॉपिक और द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट आर्टिकल उस पर्टिकुलर मैटर को विषय वस्तु को लाइमलाइट में यानी सबकी नॉलेज में सबके लिए प्रकाश में लेकर आता है ताकि सब लोग उस टॉपिक के प्रति जागरूक हो सकें द आर्टिकल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक जो टॉपिक चुना जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी हमको आर्टिकल से मिलती है इट ऑफर्स सजेशंस एंड पीसेस ऑफ एडवाइस कई बार आर्टिकल्स कुछ सुझाव और पीसेस ऑफ एडवाइस यानी कुछ सलाह भी हमें प्रस्तुत करते हैं हम जब समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें कई ऐसे आर्टिकल्स रहते हैं जो हमें हमारी रोज़मर्रा के जीवन में कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए उसके दिशा निर्देश देते हैं या फिर जो वर्तमान की समस्याएं चल रही हैं उससे हमें अवगत कराते हैं इट इन्फ्लुएंसेज द रीडर्स एंड अर्जेस दैम टू थिंक आर्टिकल रीडर्स को यानी पाठकों को प्रभावित करते हैं और उनको अर्ज करते हैं कि वो विचार करें अर्ज करना यानी उनको प्रेरित करते हैं उनसे कि इस पर्टिकुलर विषय पर वो विचार करें द आर्टिकल डिस्कस वेरियस स्टोरीज पर्सनस लोकेशंस राइजिंग इशूज एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स आर्टिकल्स जो है वो चर्चा करते हैं चर, आर्टिकल के माध्यम से लेखक अन्य लोगों तक जो अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं उनमें हैं स्टोरीज़ यानी कहानियाँ पर्सन्स यानी कोई विशेष व्यक्तित्व लोकेशंस किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में जानकारी देते हैं राइजिंग इश्यूज यानी क्या मुद्दे जो वर्तमान में चल रहे हैं और टेक्निकल डेवलपमेंट यानी तकनीकी विकास क्या हुआ है उसके बारे में लेखक अपनी पाठकों तक अपनी बात पहुंचा पाता है इट मे बी द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द राइटर और इट मे बी रिलेटेड टू सम करंट इश्यूज़ आर्टिकल या तो लेखक के रुचि का विषय हो सकता है या फिर जो करंट इशू यानी वर्तमान मुद्दे चल रहे हैं उस पर आधारित हो सकता है द वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 150 फिफ्टी टू टू जब हम विद्यार्थियों के लिए आर्टिकल राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें शब्द सीमा दी होती है शब्द सीमा सामान्यतः वन फिफ्टी से टू हंड्रेड वर्ड्स की होती है और इससे ज्यादा का आर्टिकल नहीं लिखा जाना चाहिए तो बहुत बड़ा लेंदी आर्टिकल पढ़ने में अपनी रुचि खो देते हैं ए वर्बल और विजुअल इनपुट मे बी गिवन टू गाइड एंड हेल्प द स्टूडेंट्स इन कम्प्लीटिंग दैट आर्टिकल एक वर्बल या विजुअल वर्बल यानी लिखित में कुछ निर्देश दिए रहते हैं कई बार आप देखते हैं एग्जाम्स में भी जो आता है स्लैश लगे होते हैं मतलब आउटलाइन वाले पॉइंट्स दिए रहते हैं उन पॉइंट्स को शामिल करते हुए आर्टिकल लिखना रहता है वो वर्बल इनपुट है और कई बार विजुअल इनपुट दिया रहता है विजुअल यानी कोई चित्र दिखा के कोई ग्राफ दिखा के कोई ए, लोकेशन दिखा के हमको बोला जाता है कि इस पर आर्टिकल लिखें तो विद्यार्थियों को वर्बल इनपुट के आधार पर भी और विजुअल इनपुट के आधार पर भी आर्टिकल लिखने के लिए मेंटली तैयार होना चाहिए द एम ऑफ इंसर्टिंग एन इनपुट इज टू गिव अ जनरल आउटलाइन द आर्टिकल हैज टू बी डेवलप्ड जो इनपुट दिया जाता है वर्बल इनपुट या विजुअल इनपुट वो देने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो आर्टिकल डेवलप हो वो एक निश्चित दायरे के अंदर डेवलप किया जाए ताकि जो लेखक है वो मुख्य मुद्दे से भटके ना कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही रहे इसीलिए वर्बल या विजुअल इनपुट बच्चों तक विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है द अदर एम इज़ टू डिस्करेज द हैबिट ऑफ क्रेमिंग एक और उद्देश्य है ए, वर्बल और विजुअल इनपुट दे के आर्टिकल लिखवाने का या आर्टिक, आर्टिकल लेखन ए, की कला डेवलप करने का वो है विद्यार्थियों में क्रेमिंग की आदत को समाप्त करना क्रेमिंग यानी रटना अभी क्या होता है क्वेश्चन आंसर सामने रहते हैं और उनको देख के विद्यार्थी उनको रट लेते हैं कई बार अर्थ भी नहीं समझते हैं और ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन कुछ लिखा रहता है और आंसर कुछ और दे जाते हैं तो अभी आर्टिकल राइटिंग का मुख्य उद्देश्य जो सामने आता है उनमें से एक है कि विद्यार्थियों में रटन पद्धति को की आदत का को समाप्त करना और स्वयं की रचनात्मकता को विकसित करना फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल फॉर्मेट यानी ढांचा एक हमारे पास आउटर ढांचा रहता है उसके अंदर हमको चीज़ें डालते जानी रहती है और हमारा आर्टिकल तैयार हो जाता है तो सबसे पहले सेंटर में आता है टाइटल ऑफ द आर्टिकल जिस भी विषय पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसका एक केंद्र जो रहता है वो कहलाता है टाइटल यानी एक विषय जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं फिर राइट राइटर्स नेम एंड डेट जो बहुत जरूरी है राइटर्स नेम यानी किसने उस आर्टिकल को लिखा है और जब हम उसको न्यूज़पेपर में यदि छपवाने के लिए लिख रहे हैं तो डेट कंपलसरी हो जाती है राइटर्स नेम डेट और कई बार ऑप्शनल है कि किस पर्टिकुलर जगह की वो घटना है यदि कोई घटना का वर्णन कर रहे हैं तो हम लोकेशन भी डालते हैं फिर आता है बॉडी मेन पार्ट ऑफ द आर्टिकल तो बॉडी के अंतर्गत जो आते हैं इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कंक्लूज़न तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ यानी भूमिका बताता है कि इस आर्टिकल में पूरा ओवरऑल हम किस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी जो टाइटल हमारा है उसके बारे में पूरा वर्णन हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी सेकेंड पैरा में करते हैं फिर यदि ज़रूरत है इफ़ नीडेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अलावा भी कोई जानकारी हम देना चाहते हैं जो उस विषय से संबंधित है तो वो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत देंगे और फिर है कंक्लूजन एंडिंग पार्ट ऑफ द आर्टिकल आर्टिक आर्टिकल का समापन या बोल सकते हैं कंक्लूजन इसमें हम सार लिखते हैं पूरा जो हमने आर्टिकल लिखा है उसका सार निकाल के हम कंक्लूजन में लिखते हैं और ये आर्टिकल का अंतिम भाग होता है स्टेप्स फॉर आर्टिकल राइटिंग किन स्टेप्स को अपना किन पदों को अपनाकर हम आर्टिकल लेखन में पूर्णता हासिल कर सकते हैं तो पहला है थिंक ऑफ द टॉपिक यू वॉन्ट टू राइट द आर्टिकल अबाउट सबसे पहले तो उस टॉपिक के बारे में विचार करें जिसके विषय में आप लिखना चाहते हैं तो पहले टॉपिक डिसाइड करें फिर उसके बारे में लिखना शुरू करें ओनली आफ्टर यू हैव डिसाइडेड योर टॉपिक यू कैन गो अहेड एंड अंडरटेक द फर्दर स्टेप्स इन द प्रोसेस वन बाय वन सिर्फ आप तभी आगे बढ़ सकते हैं उस राइटर राइटिंग आर्टिकल की प्रोसेस में प्रक्रिया में जब आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया हो कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं देखें नेक्स्ट डेवलप ईच पॉइंट इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर टॉपिक जो हमने सोचा है उसके बारे में जो सब हेडिंग्स हैं सब टाइटल्स रहेंगे उनको आप रफ में पहले लिख लें और सिस्टमेटिक वे में एक यानी निश्चित पैटर्न में तरीके में कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा और वो जो उनका क्रम है वो लॉजिकल हो तार्किक हो ऐसा नहीं होगी सबसे लास्ट वाली चीज़ सबसे पहले बता दी यानी जब हम किसी का यदि लेखक किसी के बारे में जीवनी में लिख रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले हम डेथ इवेंट बता दें फिर शादी का बता दें फिर बुढ़ापे का बता दें तो वो क्या गलत हो जाएगा उसमें एक लॉजिकल एक निश्चित क्रोनोलॉजिकल क्रम होना चाहिए जिससे समझ में आए कि आरंभ कहाँ से हुआ है और अंत कहाँ पे जाके हो रहा है तो सिस्टमेटिक ऑर्डर हो लॉजिकल क्रम हो every sentence should be linked with the rest into a single whole जो sentence हम article में ले रहे हैं जिन शब्दों के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं वो वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जुड़े होने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपने फुल स्टॉप हटा दिए जुड़े होने का मतलब है कि वो आपके भाव अभिव्यक्ति को बढ़ाते हों ऐसा नहीं हो कहीं कहीं से कुछ उठा लिया कहीं से कुछ उठा लिया और फिर हमने एक उसको आर्टिकल बोल दिया नहीं वो जो आपके वाक्य रहेंगे जो उसका वाक्यों का सीक्वेंस रहेगा वो एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले क्रम में जुड़े रहेंगे आपके भाव सही क्रम में होना चाहिए टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई द कंसर्निंग रीडिंग ग्रुप हम जो लिख रहे हैं जिस टाइटल के बारे में लिख रहे हैं वो टाइटल किस तरह के लोगों के लिए लिखा जा रहा है टारगेट ऑडियंस यानी ये मालूम होना चाहिए कि ये और जो लिखा जा रहा है आर्टिकल ये आर्टिकल के पाठक पढ़ने वाले कौन होंगे और क्या ये उनके लिए यूज़फुल रहेगा क्या ये एंटरटेन करेगा ये क्या उनको कोई नई जानकारी देगा वो उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए उस तरीके के शब्दों का उपयोग होना चाहिए ताकि वो सीधे पाठकों के मन में हृदय में बैठ जाए उन्हें इजीली समझ में आ जाए पर्पज फाइंड द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ राइटिंग आर्टिकल क्या उद्देश्य है आर्टिकल लिखने का ये आपको पता करना होगा कि वो आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है क्यों लिख रहे हैं कलेक्ट एंड सेलेक्ट इकट्ठा करना और फिर चुनना गैदर सच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल जो आपने टाइ, टाइटल चुना है उससे संबंधित जानकारी आप पहले गैदर करें इकट्ठा करें आल्सो आइडेंटिफाई द डिटेल्स दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट और साथ ही उस डिटेल को जानकारी को पहचानें जो बहुत महत्वपूर्ण है और रिलेवेंट है उससे आर्टिकल से आपके टॉपिक से संबंधित है डेट एंड प्लेस ऑफ वेयर इट इज रिटर्न इफ न्यू डेट तो आपको मैंने शुरू में ही बताया है आपको फॉर्मेट के अंतर्गत डेट आती ही है और प्लेस यदि आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं तो प्लेस लिखना भी जरूरी है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये बता ही चुके हैं ओपनिंग ऑफ एन आर्टिकल जो होता है वो इंट्रोडक्टरी यानी भूमिका वाला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जो अभी हमने देखा उसमें यह बताया गया है कि ओपन इन अ वे दैट इट इज इंगेजिंग फर्स्ट कैच द अटेंशन जब जो आपका इंट्रोडक्टिव पैरा रहेगा वो इस तरीके से ओपन होना चाहिए शुरू होना चाहिए कि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे कैच द अटेंशन यानी ध्यान आकर्षण वाला पैराग्राफ होना चाहिए क्रिएट इंटरेस्ट यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ टॉपिक पढ़कर या दो ऊपर की दो तीन लाइनें पढ़कर ही आदमी आगे बढ़ जाए और उस आर्टिकल को पढ़ना छोड़ दे आपको उसमें रुचि जगानी पड़ेगी पूरे आर्टिकल को जब आप लिख रहे हैं खासकर इंट्रोडक्टरी जब शुरुआत है तो शुरुआत में ही बोरिंग नहीं महसूस होना चाहिए रुचि जागृत होनी चाहिए क्लियर एंड प्रिसाइज राइटिंग लैंग्वेज प्लैंड स्पष्ट हो संक्षिप्त हो जो भाषा आपकी हो वो पहले से प्लैंड हो यू सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज साधारण भाषा का उपयोग करें जो जन मानस को आसानी से समझ में आती हो और ग्रामर ऐसा ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही होना चाहिए यूज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलायबल इन्फो फैक्चुअल यानी तथ्य परक। जानकारी आपको देनी है ये अलग अलग तरीके के आर्टिकल में जिसमें जो आवश्यकता हो उस बिंदु को अपने को शामिल करना है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी जैसे जब हम कोई एक्सीडेंट पर या कोई मोनूमेंट्स के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो तथ्य परक जानकारी देनी है रिलायबल यानी विश्वसनीय जानकारी देनी है फिर आता है एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल्स भी आपको जो देने हैं वो रिलायबल होना चाहिए वो मनगढंत नहीं होने चाहिए रिलायबल यानी विश्वसनीय आर्टिकल ले, लेखन के लिए हमको कोडर सी ओ डी ई आर कोडर राइटिंग प्रोसेस का यूज करना होता है तो ये कोडर जो प्रोसेस है वो हर चीज आप जब भी लिखेंगे तो कोई भी ड्राफ्ट बना रहे हैं तो उसमें बहुत काम आएगी आपके सबसे पहला है सी सी मतलब कलेक्ट योर आइडियाज राइट डाउन वॉट कम्स टू योर माइंड जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है जो भी विचार उस टॉपिक से संबंधित हैं उन आइडियाज को पेपर पे नोट डाउन करते जाएं। देन ओ ओ मतलब ऑर्गेनाइज जो विचार आपने लिखे हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना है यानी व्यवस्थित करना है फिर है डी ड्राफ्ट ड्राफ्ट यानी अब जो आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है विचार कलेक्ट कर लिए ऑर्गेनाइज कर लिए अब उसका एक ड्राफ्ट तैयार करें रफ ड्राफ्ट बनाए पहले कि ए, कैसा आपका आर्टिकल होगा उसका रफ ड्राफ्ट तैयार कर लें फिर है एडिट की मतलब एडिट जो कुछ आपने लिखा है उसको पढ़ें पढ़ें पुनः पढ़ें कम से कम दो सेकेंड या थर्ड रीडिंग में आपने को समझ में आता है सही तरीके से कि इसमें से क्या क्या चीजें हटानी हैं और क्या क्या नई चीजें जोड़नी है देन आर आर मतलब राइट एंड रिवाइज लिखना है और फिर से लिखना है रिवाइज करना है पढ़ना है तो ये प्रोसेस जो है ऐसा लगता जरूर है कि बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है इसका इसके माध्यम से आप एक परफेक्ट आर्टिकल लिख पाएंगे पॉइंट्स टू कीप इन माइंड आर्टिकल लिखते समय कुछ बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखना है द टॉपिक्स ऑफ द आर्टिकल शुड बी यूनिक एंड रिलेवेंट जो भी आप टॉपिक लेते हैं आर्टिकल का वो यूनिक यानी विशिष्ट हो रेलेवेंट हो संब, सह संबद्ध हो जो आपका राइटिंग मटेरियल है उससे संबंधित हो द आर्टिकल हैज टू गेट अटेंशन आर्टिकल जो है वो अटेंशन यानी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपका रुचिकर होना चाहिए इट हैज टू बी ईजी टू रीड जो भी आर्टिकल हमने लिखा है वो पढ़ने में सरल होना चाहिए जब तो कठिन शब्दों का उपयोग करने से हमारी बात पाठक तक सही तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पाती है तो सरल भाषा का उपयोग होना चाहिए कोऑर्डिनेट योर ओन आइडियाज विद द हिंट्स गिवन इन द इनपुट एंड रीअरेंज देखिए जब आर्टिकल लिखने के लिए आपको आता है तो सामान्यतः वर्बल या विजुअल इनपुट दिया होता है तो अपने विचारों को उस वर्बल और विजुअल इनपुट में ब्लेंड करना होता है मिक्स करना होता है मिक्स करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उठाया और शक्कर और रेत को मिला दिया एक साथ मिक्स ऐसे करना है जैसे हम चाय बनाते हैं कि वो सारी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं है ना? फिर हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते तो हमारे विचार और जो इनपुट दिया है वो एक दूसरे में इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए कि हम उसको अलग अलग ना कर पाए तो ये ये तरीका होगा सही कोऑर्डिनेशन का डोंट्स अभी तक हम देख रहे थे हमें क्या करना है अब ये देखें कि हमें क्या नहीं करना है योर कंपोजिशन शुड नॉट बी स्केची आपका कंपोजिशन बहुत ज्यादा स्केची यानी बहुत ज्यादा लेंदी या अत्यधिक विवरण वाला नहीं होना चाहिए शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए डोंट एक्सीड द गिवन लेंथ स्टिक टू वर्ड लिमिट जो भी आपको वर्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है उस वर्ड लिमिट में ही अपने आप को बांध के रखना है ज्यादा लंबा या ज्यादा छोटा दोनों ही तरीके में आर्टिकल की खूबसूरती समाप्त होती है डोंट राइट वेरी लेंदी आर्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैवी आर्टिकल्स नहा ना लिखें द टाइटल शुड नॉट बी टू लेंदी एंड अनक्लियर टाइटल जो आप दे रहे हैं वो टाइटल बहुत लेंदी यानी भारी भरकम ना हो और अस्पष्ट ना हो यहाँ देखिए मैंने आ, आर्टिकल राइटिंग के एक हैंड रिटन मैटर मे भी लिया है और एक प्रिंटेड मैटर भी लिया है हैंड रिटन मैटर में देखिए सबसे ऊपर बच्चे ने आर्टिकल लिखा है डेट आर्टिकल है मॉरल एजुकेशन के ऊपर और किसने लिखा है उसका नाम लिखा है है ना और साथ ही डेट लेफ्ट हैंड साइड में डेट और राइट हैंड साइड में डे लिखा हुआ है और फिर इन्होंने तीन पैरा लिए हैं फर्स्ट पैरा जो थ्री लाइन्स हैं वो इंट्रोडक्टरी लाइन है फिर मेन बॉडी है और लास्ट में फोर लाइन्स जो हैं वो समरी या कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल है ऐसे ही हम देखें प्रिंटेड मटेरियल जो हमने लिया है ये डेली न्यूज न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये पर्सनल विंडो डेस्कटॉप के ऊपर लिया गया लिखा गया आर्टिकल है इसमें देखें आप पहले तो टाइटल जो लिखा है टाइटल के ठीक नीचे इन्होंने अंडरलाइन किया है फिर यह ग्लोबल न्यूज़ के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और जो राइटर हैं उसके बारे में दिया है एक लाइन में फिर नीचे से मैटर स्टार्ट होता है तो इन आर्टिकल हमारा ज्यादा से ज़्यादा थ्री या फोर पैराज में डिवाइड हो फोर पैरा भी लेंदी हो जाता है थ्री पैराज आर सफिशेंट फर्स्ट इज इंट्रोडक्टरी सेकेंड इज मेन बॉडी एंड द थर्ड इज कंक्लूडिंग पैरा यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है जो आर्टिकल राइटिंग का मैंने लिखा है तो देखें आप इस किस तरीके से आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है तो टाइटल है इसका हजार्स ऑफि पॉलीथीन बैग्स पॉलीथीन बैग्स के नुकसान द रिसेंट कैम्पेन ऑफ द डेली एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग इज अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जो एक नया अभियान चलाया गया है डेली प्रशासन के द्वारा प्लास्टिक बैग्स के विरोध में ये सही कदम है और सही दिशा की ओर है द क्वेश्चन इज इज कैरिंग अ पॉलीथीन बैग अ कन्वीनियंस और अकर्स प्रश्न उठता है कि पॉलीथिन बैग लेकर चलना ये सुविधाजनक है या फिर अभिशाप है इट इज कॉमन साइट टू सी पीपल लिविंग अ डिपार्टमेंटल स्टोर कैरिंग अ परचेज डैंगलिंग इन अ पॉलीथीन बैग ये एक कॉमन दृश्य हो गया है कि लोग जब डिपार्टमेंटल स्टोर से या दुकानों से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में पॉलीथीन बैग्स लटकते होते हैं और उन पॉलीथीन बैग्स में उन्होंने जो कुछ खरीदा रहता है वो रखा होता है प्लास्टिक बैग्स हैव बिकम अ ग्रोइंग स्कोरेज प्लास्टिक बैग एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं मिलियंस ऑफ पॉलीथीन बैग्स चोक एंड ब्लॉक अवर वाटरवेज ड्रेन्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स मिलियंस ऑफ पॉलीथीन बैग ढेर सारे पॉलीथीन बैग हैं जो चोक करते हैं यानी बाधित कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं यानी पूरी तरह से बंद कर देते हैं हमारे वाटर वेज को पानी बहाव के रास्ते को ड्रेन्स को जहाँ से नालियाँ या पानी बह के जाता है लेक्स को झील में और स्ट्रीम्स यानी नदियों में नदियों की धाराओं में हर जगह हमें पॉलीथीन बैग्स ही नज़र आते हैं ओनली फाइव परसेंट ऑफ द हंड्रेड बिलियन प्लास्टिक बैग्स इज रिसाइकल्ड जितने भी प्लास्टिक बैग्स हम उत्पादन करते हैं उसका सिर्फ पाँच परसेंट प्लास्टिक बैग ही रिसाइकल हो पाता है पॉलिथीन बैग टेक ईयर्स टू बायोडिग्रेड। सम बैग्स गेट स्नैक्ड ट्रीज एंड बुशेज पॉलीथीन बैग जो होते हैं उनको कई वर्ष लगते हैं डिग्रेड होने में यानी सतह सड़ने में समाप्त होने में सम बैग्स गैड स्नैक्ड इन ट्रीज एंड बुश और कुछ पॉलीथीन बैग तो ऐसे होते हैं जो झाड़ियों में या पेड़ों में अटक जाते हैं सम फाइंड देयर वेज इन टू ड्रेन्स एंड वाटर चैनल्स और कुछ पॉलीथीन बैग्स अपना रास्ता बना लेते हैं ड्रेन्स यानी नालियों में और वाटर चैनल्स में एनिमल्स मिस्टेक दैम फॉर फूड और कई बार जानवरों को ऐसा लगता है कि पॉलीथीन के अंदर भोजन है और वो गलती से उसे खा लेते हैं इन एनिमल्स पॉलीथीन बैग कैन सफोकेट चोक ब्लॉक डाइजेशन एंड इवन कॉज डेथ जानवरों में पॉलिथीन बैग उनको डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम को सफोकेट करता है यानी संकीर्ण बना देता है चोक कर देता है बाधित करता है ब्लॉक करता है और कई बार तो पॉलीथिन बैग्स के कारण जानवरों की डेथ भी हो जाती है प्लास्टिक एंड पॉलीथीन एंड दे आर रेमनेंट्स हैव बीन फाउंड इन द स्टमक ऑफ बर्ड्स काउज एंड डॉल्फिन्स। प्लास्टिक और पॉलीथिन बैग के रेमनेंट्स यानी उनके बचे हुए अवशेष पक्षियों के गायों के और डॉल्फिन्स के स्टमक में पाए गए हैं द पॉल्यूशन फ्रॉम प्लास्टिक एंड पॉलीथिन बैग्स इज़ द फोर्थ मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन पॉल्यूशन जो प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन poly, बैग्स से होता है ये चौथा सबसे ज्यादा फैलने वाला पॉल्यूशन है तो ये लास्ट की दो लाइने ये हमारी कंक्लूडिंग लाइन हुई बीच में पैरा पढ़ा और सबसे ऊपर हमने इंट्रोडक्ट्री लाइन्स को पढ़ा तो इस तरीके से ये हमारा पॉलीथीन बैग्स के ऊपर का आर्टिकल हुआ यहाँ देखें मैंने एक और आर्टिकल का पिक्चर लिया हुआ है ये जंक दिस फूड के ऊपर आर्टिकल है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे चार पैरा में पूरा आर्टिकल समाप्त हो गया है जंक दिस फूड यानी इस फूड को कबाड़े में डालें यानी ये जो जल्दी पकने जल्दी यानी रेडी टू यूज वाला फूड है उसके ऊपर से आर्टिकल है आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले, ले, ले लीजिएगा और इसके पढ़ के देखिएगा तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल मेकिंग का जो सेशन है यहाँ पर हम उसे समाप्त करते हैं हेयर आई रेस्ट माई क्लास क्लास अपनी समाप्त करती हूँ थैंक यू टेक केयर हैव अ ग्रेट डे